सर सर सॉरी सर सॉरी मैडम सॉरी क्या सॉरी दिखाई नहीं देता क्या थोड़ा जल्दी में था मैडम आंखें बंद करके ड्राइव करते हो क्या अंधे कहीं के हे इट्स ओके कोई बात नहीं कोई इडियट सॉरी सर बुरा मत मानिएगा गलती से हो गया बाय बैठो एक मिनट थैंक यू सर हाँ कोई बात नहीं सॉरी मैडम इंटरव्यू है क्या हाँ सर ऑल द बेस्ट थैंक यू सर सॉरी मैडम तुम्हें चोट नहीं लगी इसलिए उसे जाने दिया ना हे ऐसी बात नहीं है लगता है वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है अभी अगर कुछ कहता तो डिसअपॉइंट हो जाता उसका दिन खराब हो जाता वैसे भी उसने जानबूझकर नहीं किया है पापा उसे जाने क्यों दिया कोई भी जानबूझकर टक्कर नहीं मारता है ना बेटी बेचारा वो किसी काम से जा रहा होगा डांटूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा इस्तेमाल मत करो उसमें मैंने मच्छर मारने का स्प्रे लगाया है तुम भी वो पेस्ट यूज मत करना उसमें मैंने इच गार्ड मिलाया है तो फिर तुम भी अपना लिपस्टिक इस्तेमाल मत करना उसमें मैंने मिर्ची पाउडर मिलाया है तुम भी शूज मत पहनना उसमें मैंने सुई घुसा रखा है अपनी चप्पल मत इस्तेमाल करना उस पर मैंने फेविक्विक लगाया है तुम अपने चोट पर डेटॉल मत लगाना उसमें मैंने एसिड मिलाया है कैसे जीऊं मैं ये तो बता नजरों के पास तू ही तो था फिर भी तुझे मैं ना पहचाना किस्मत से है मिले मिट गए सब गीले जन्मों का है रिश्ता ये हमारा दूर जाना ना दिल से भूला मुश्किल हो जाएगा जीना मेरा तू बन जाना रब का शुक्राना कैसे बताऊं जाने मन जाने जा मांगू दुआए हर पल उस रब से इश्क मेरा तू जाने मन जाने जा बड़े डॉक्टर से मिला था उन्होंने जाने के लिए कहा है ओके सर नमस्ते हॉस्पिटल में आने वाला इंसान कैसा होता है बे चिढ़ा रहा है कमीना कहीं का अब ये फोन क्यों कर रहा है हाँ बोल हे हमारा जूनियर सिनू है ना वो सपना के साथ भागे तेरे पास ही आ रहा है उन दोनों की शादी तुझे करवानी होगी दोनों के टॉर्चर की वजह से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ अभी मैं अपने आप को तो उन लोगों से बचा नहीं पा रहा हूँ अब उन लोगों को झेलना मुझसे नहीं हो पाएगा मुझे वो सब नहीं पता वो ऑलरेडी निकल चुके हैं ए ए फोन रख ए ए ए बच गए डोर ओपन ही है फ्लोर क्लीन है डाइनिंग टेबल भी साफ है मतलब वो दोनों यहाँ से चले गए सौमित्री आप यहीं पर हैं क्या हुआ सौमित्री कहाँ थे तुम इतने दिन हॉस्पिटल में मैगी बेचारा भैया इतने दिन बाद आया है जाके कॉफी लेकर आओ ये भी ले जाओ आओ भैया वहां क्यों खड़े हो आओ आओ
बैठो। हाँ ये ठीक है, इस पर बैठ जाओ। विदाउट नेल पॉलिश भैया। थैंक यू। मेरे पास दो लोग घर से भागकर आने वाले हैं, मैं मर गया हूँ ऐसा बोलकर उन्हें वापस भेज देना। कौन, यही दोनों क्या? इन्हें किसने आने दिया? देखने में तो जोड़ी अच्छी है भैया, शादी करवा देते हैं। इनकी शादी करवाने के लिए ये क्या, कोई ये क्या है? तुम ऐसे ही दूध के साथ मक्खन की तरह हमारे साथ रहो, बाकी सब हम देख लेंगे। दोनों बार पैदा होने वाली बेटियां पैदा होते ही मर गईं। इस बार भी अगर ऐसा हो गया तो मेरी बीवी मुझे वापस नहीं मिलेगी। हे भगवान, आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। मेरी बीवी को दिल की बीमारी होने के कारण डॉक्टर ने हमें बच्चा पैदा करने के लिए मना किया था, लेकिन मेरी बीवी को बच्चा चाहिए और मुझे मेरी बीवी। सर आप अंदर जा सकते हैं। सर आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। डॉक्टर प्लीज कम इन। आपने बुलाया? आपको एक बात बतानी है। बोलिए सर। बच्चे को देखा ना? बच्ची तो अपनी माँ पर गई है सर, बहुत अच्छी है। फिलहाल तो बच्चा अच्छा है, लेकिन बच्चे को एक रेयर बीमारी है। बीमारी का नाम कार्डियोमायोपैथी है। आपकी बेटी को कार्डियोमायोपैथी नाम का रोग है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। इसके कारण हार्ट से रिलेटेड सारे अंग उम्र के साथ साथ वीक होते जाते हैं। आपका बेटा जब 22 साल का हो जाएगा तब तक वो पूरी तरह से डेड हो जाएगा। उसके कारण हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और वो अचानक ही मर जाएगा। इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाई नहीं है क्या डॉक्टर? आमतौर पर हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट इम्यूनिटी नहीं होने के कारण वो चांस नहीं होगा। अगर हमने कर भी लिया तो रिस्क और बढ़ सकता है, और ये डिसीज इतना भयंकर है कि किसी भी रोग का सिम्टम समय नजर तो आ जाता है पर इस रोग का कोई सिम्टम नजर नहीं आता। 22 साल का होने के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है। और वही आपकी बेटी का आखिरी पल हो सकता है। इतनी मुश्किल से बेटा हुआ,
मारे बच्चे को ऐसी डिजीज है, ये अगर पता चला तो मेरी बीवी सह नहीं पाएगी। आप कुछ कीजिए ना डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। सॉरी सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट द फेट। आपका बेटा 22 साल का होने के बाद कभी भी मर सकता है। आपकी बेटी 22 साल के बाद कभी भी मर सकती है। क्या हुआ सर, ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? माफ कीजिएगा सर, जब मैं दुखी होता हूं तो बात किए बिना नहीं रह सकता हूं। कुछ नहीं सर, मेरी बीवी को बेटी पसंद है, बेटी पैदा होती तो अच्छा होता, लेकिन बेटा पैदा हुआ। हा? आप क्यों दुखी हैं? मेरी बीवी को बेटा बहुत पसंद है। ओह, बेटा पैदा होता तो बहुत अच्छा होता, लड़की पैदा हुई वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई है सर। एक काम करते हैं सर, आप बेटा चाहते हैं और हम बेटी चाहते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, हम दोनों बच्चों को एक्सचेंज कर लेंगे तो कैसा होगा? हाँ? नहीं नहीं, अगर एतराज है तो मैं नहीं। हाँ 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 पैदा होते ही हमारा कोर्ट का सारा झमेला खत्म हो गया, हमारी जायदाद हमें मिल गई, 10 सालों के कष्ट का फल मिल गया। उसके उठने से पहले क्यों ना गांव निकल जाए? शायद मैंने गलती कर दी, उसके बेटे को उसके सामने ही अगर बड़ा करूंगा तो 22 सालों के बाद कम से कम उसे देखकर थोड़ी तसल्ली तो मिलेगी। मैंने जो गलती की उसे शायद इस तरह सुधार सकता हूँ मैं। सुनिए, चाचे को भी बोल दिया है, हैदराबाद जिस काम से आए थे वो हो गया। यही रहते हैं सरोजा। कैसी बातें कर रहे हैं? गांव में हमारी 30 लाख की जायदाद है, उसके लिए आपने 10 साल तक कष्ट उठाया, वो सब छोड़ देंगे? हम यही रह जाते हैं सरोजा। भाभी, इन दोनों की शादी करवा देंगे तो कैसा रहेगा? अच्छा विचार है भाभी, किसी और के घर में शादी करेंगे तो उसे बहू के रूप में देखेंगे, लेकिन आप उसे बेटी की तरह रखेंगी। मैगी, मैडी से शादी करना चाहोगी क्या? हाँ पसंद है। अरे मैडी, और तुझे? मुझे भी पसंद है। हमें भी पसंद है। मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है। ये शादी के विचार बच्चों के दिमाग से निकालना होगा। डैडी। ए मैडी,
ओ गुड बॉय, ये क्या चॉकलेट है क्या? अभी नहीं, पहले जाके फ्रेश हो जाओ, जाओ जाओ फ्रेश हो जाओ। डैडी, क्या हुआ बेटा? मेरा चॉकलेट किसने खा लिया? चॉकलेट? अभी ना मैगी आई थी बेटा, लगता है शायद उसी ने खाया होगा। मैगी, दूध पीते वक्त ही औरतों का रिलेशन कट कर देना चाहिए था, अभी वो बढ़कर शादी तक पहुंच गया। औरतों के मन में अगर विचार आ गया तो वो इच्छा बढ़ जाएगी, ख्वाहिश पेड़ बन जाएगा। इस पेड़ को बढ़ने से पहले ही काटना होगा, मतलब बच्चों को किसी तरह से अलग करना होगा। मैगी, माँ कहाँ है जरा देखो तो। शादी करोगे क्या? डैडी, मेरी ड्राइंग को किसने बिगाड़ा? अरे अरे अरे, शायद वो मैडी आया था बेटी, लगता है उसी ने किया होगा। डैडी, हाँ? मैगी ने जो गुलाब का पेड़ लगाया उसमें फूल आ गया है, उखाड़ देता हूँ। फूल उखड़ेगा तो कल दोबारा से उग जाएगा, समझे ना? मुझे सब समझ आ गया डैडी। मिस्टर मैडी, मिस मैगी के साथ शादी करना तुम्हें मंजूर है ना? मंजूर है। मिस मैगी, मिस्टर मैडी के साथ शादी करना तुम्हें मंजूर है ना? मंजूर है। यू मे किस द ब्राइड। सपना था क्या? अच्छा था। कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। एक बार रिवाइंड करके देखता हूं। छे, लड़की कौन है पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहां होगी। शादी चर्च में हो रही, ऐसा सपना आया मुझे। बिना किसी खर्च के हो गया। वैसे लड़का कैसा था? लड़का लड़का दिखाई नहीं दिया, जैसे ही किस करने गई थी मेरे गाउन का हुक फट गया। अच्छा, इसलिए ये रेडीमेड पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें स्टिच करा के ही लेना चाहिए। वो सब छोड़, वैसे वो कौन होगा? कहीं तेरे पड़ोस में रहने वाला मैडी तो नहीं था ना?
मुंह बंद कर। इतना अच्छा सपना देख रही थी, उसका नाम लेके मूड ही खराब कर दिया तूने। फोन रख। गुड मॉर्निंग मैगी। गुड मॉर्निंग अंकल। कम ऑन। ओहो, तेरे सिर्फ 35 नंबर की पढ़ाई के लिए ना मुझे रोज इतना सारा काम करना पड़ता है। अब नहीं होगा मुझसे। ए, बैठ हटा। मैडी, मैडी उठ ना, तेरे कॉलेज का टाइम हो चुका है, उठ जा। 10 मिनट पहले उठाओ ना, काफी है। अगर 10 मिनट में नहा धो लेगा तो नाश्ता कब करेगा? वो 10 मिनट नाश्ता करने के लिए है। अरे तो नहाना। मॉम, दिन भर में नहाना कभी भी हो जाएगा, पर उससे ज्यादा नाश्ता इम्पोर्टेंट है। अब मुझे सोने दो, परेशान मत करो। आज मौस बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। रोज ऑफिस आप ऐसे ही डिओड्रेंट मारकर चले जाते हो जी, किसी दिन जल्दी उठ के नहा के जा सकते हो ना। अर्धांगनी का मतलब पति के लिए काम करे, उसके पीछे एक पर्पस होता है। बिना मतलब के कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। टिफिन। अरे टिफिन कहाँ है? आजा बैठो। मॉम, क्या है ये? इडली है या पत्थर है? शुरू की है ना, ऐसे ही बनती है। तुम्हें बनाना नहीं आता तो इडली या फिर इडली के आटे को दोष मत दो। ओके 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 ओके। चिकन खाने का मन है ना तो उस घर में जाके खा ले, लेकिन मेरे घर पर मेरे खाने के लिए कुछ मत बोलना। हाँ। ये सुन के मैं हर्ट हो गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं। अरे मुर्गियों की जान लेना गलत है ना डैडी? हमारी जान को हम बचाएं, ये हमारा धर्म नहीं है क्या मैगी? मेरे लिए कुछ अलग बना सकती थी ना माँ? हाँ बनाती हूँ। तुम्हारे पिता को मैंने एक नौकरानी रखने को कहा था, वो साहब के लिए बनाएगी और मैं तेरे लिए बनाऊंगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है डैडी। अच्छा है, तुम अपनी माँ को सिलाई मशीन चलाने को कहो, जो पैसे उससे आएंगे वो नौकरानी को देने को कहो। That's all। रहने दो डैडी, मेरे शाकाहारी खाने के लिए इतना त्याग करने की जरूरत नहीं है। मैं आंटी के यहाँ खा लूंगी, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा बनाया होगा। बाय मम्मी। बाय डैडी। बाय। तुत्तु तारा सदा तू मेरे दिल में रहना, तुत्तु तारा मुझको है ये तुमसे कहना। रफ्ता रफ्ता दिल में समाया तू, मेरे जीने का है सहारा तू। तू ही तो है ओ मेरी जाने जान, जीना पाए तुझ बिन ये दीवाना। तुत्तु तारा सदा तू मेरे दिल में रहना, मुझको है ये तुझसे कहना। तेरे लिए मैंने माँ बाप को खो दिया, मैंने दोस्तों को खो दिया, आने वाले पैसों को खो दिया, यहाँ तक कि तेरे लिए इस दुनिया को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार हूँ मैं। बोलो बहना, चीजू कौन है? जाने रब्बा रे, प्यार मेरा तो है, बस के सांसों में रहना रहना। तू भी जाने ये क्या तेरा होना है, जा बाहों में है कहना कहना। इतनी सुबह सुबह मुझे पार्क में क्यों लेकर आया है? चल तुझे मैं स्पेशल क्लास की टीचर दिखाता हूँ। स्पेशल क्लास? अरे आना, वहाँ पर देख। प्रिया, मैं प्यार का इजहार अपनी स्टाइल में करता हूँ। स्पेशल क्लास मतलब ये है क्या? जूम, जूम बैक करता हूँ। ऐसे अंदर की सारी फीलिंग बाहर आ जाएगी। हाय तो। मैगी। मैगी कौन है? तुम्हारा नाम तो प्रिया है ना? प्रिया, तुमने दूसरे नाम से चैट किया था क्या? मुझे चीट किया? हमारा रिलेशन झूठा था क्या? सारे रिश्ते आकर्षित होने वाले ही रिश्ते होते हैं क्या? व्हाट इज दिस प्रिया? मैगी, एक्चुअली मेरा नाम प्रिया है, प्यार से मैगी बुलाते हैं। मैगी अलियास प्रिया, तुमसे थोड़ी बात करनी है, साइड में आओगी क्या? नहीं आओगी तो बोलो, यहीं बात करता हूँ।
ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरे पड़ोस में ही रहता है। हेलो, बस दो मिनट बात करके आती हूँ। जस्ट टू मिनट्स, नो प्रॉब्लम। यू नो आई एम टू ब्रॉड माइंडेड पर्सन। यू प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन। देख, जो भी होगा बाद में देख लेंगे, फिलहाल यहाँ से चला जा। चिंता मत करो मैगी, मैं बिल्कुल उंगली नहीं करूंगा, क्योंकि प्यार तो लाइफ का मैटर होता है ना। देखा जाए तो लड़का भी अच्छा है, पर सीरियल आर्टिस्ट है ना, इमोशनल थोड़ा ज्यादा होगा। फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे मैं अंकल से बात कर लूंगा और उसके बाद तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड को अगर कोई पेड़ के पीछे ले जाएगा तो मैं तो नहीं सह पाऊंगा, लेकिन आप तो ब्रॉड माइंडेड हैं, कोई बात नहीं। पक्का? क्या पक्का? थैंक्स मैडी, तुम कितने पॉजिटिव हो, मैंने सोचा भी नहीं था। ए, हमारे बीच में थैंक्स कैसा, उसे इतनी देर वेट करवाना अच्छा नहीं है। चलो। हा? इन दोनों ने किस किया क्या? मैगी, अब क्या हुआ? तुम्हें एक और बात बताना भूल गया, दो मिनट प्लीज। बचपन का फ्रेंड है ना, और दो मिनट बात करके आती हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, तुम लोग जाओ। हाँ, सही कहा ना सर। यू कैरी ऑन, यू कैरी ऑन प्लीज। क्या है? माँ ने कहा था कोई शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा कर लेना चाहिए। खाओ। चलो। प्रिया, अब से मेरे नंबर पे कॉल मत करना। क्यों? वो नंबर मेरे पापा के पास रहता है, और फेसबुक पे भी मैसेज मत करना। क्यों? लेकिन पासवर्ड मेरे पापा को पता है। क्या हुआ महेश? बहुत हो गया प्रिया। महेश, बहुत हो गया, रुक जाओ ना। नो, मुझे मत रोको प्रिया, मत रोको। महेश, बाय। महेश, मैगी जरा वहाँ पर तो देखो। ला 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 ला। मैगी इज बैन। खाली बैठे रहो तो कोई फोन नहीं आता, गाड़ी पर बैठे तो फोन पे फोन आते हैं। तेरा ही बज रहा है। हे, हाय। हाय। क्या कर रही हो? नाश्ता कर रही हूँ। इस वक्त नाश्ता? मम्मी पापा कोई भी नहीं है ना, इसलिए खाना बनाने में टाइम लग गया। क्या कहा, माँ पापा घर पर नहीं है? आज रक्षाबंधन है ना मैडी, तो मम्मी मामा को राखी बांधने गई है। पापा भी मम्मी के साथ ही गए। पता है मैं भी तुम्हारे ही एरिया में हूँ। हाँ तो? पता है मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। हाँ तो? प्लीज मेरा। नो वे। प्लीज। हाँ ठीक है, अगर तुमने बता दिया कि मैं नाश्ते में क्या खा रही हूँ तो तुम आ सकते हो। क्या खा रही होगी? इडली, पूरी, बड़ा, डोसा, ये सब बनाने में मेहनत है। नूडल्स। शेह, सोचा था नहीं बता पाओगे। बिल्कुल सही जवाब। मीरा के माँ पापा इस वक्त बाहर गए हैं। हाँ। वो घर में इस वक्त अकेली है। जरा हटेगा क्या? तो तू हमें यहाँ पर छोड़ कर जाएगा? Hey. Hi. कहा था पास में ही हो। बाइक थोड़ी प्रॉब्लम दे रही थी। ठीक है ठीक है, जल्दी अंदर आओ। तुमने कहा था नूडल्स बनाया है। देखो ऐसे बात करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा 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 देखा, नूडल्स खत्म हो गए तो तुमने मेरे लिए इडली मंगवा ली, समझ ही नहीं पाया मैं। तो फिर खा लो। थोड़ी देर बाद खाऊं क्या? बाल आगे आ गए थे ना। ओ ड्रेस आरएस ब्रदर से खरीदा था। अच्छा है। मुझे किस करने का मन कर रहा है। अरे चुम्मा,
नो 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 प्लीज मेरा नो एक बार नहीं एक बार ट्राई करते अगर पसंद नहीं आया तो नहीं करेंगे नो बस एक बार नहीं प्लीज नो एक बार एक बार बस एक बार एक बार कौन है मुझे नहीं पता बेटी मीरा मेरा कौन है मम्मी पापा आ गए हैं मामा जी के घर गए थे ना मुझे क्या पता था इतनी जल्दी आ जाएंगे यार अब क्या करें मीरा एक काम करो ऊपर जाकर छुप जाओ ऐसे करते करते एक लड़का मर गया था मैं नहीं करूँगा मेरी बात मानो छुप जाओ कहीं मैंने कहा ना जाओ हां तुम इडली खा रही थी पर तुमने मुझसे झूठ बोला मना करते करते कोऑपरेट नहीं किया पकड़ी गई तो मुझ पर बिल फाड़ रही हो तुम जाओ यहां से तुम पागल हो क्या तुम जाओ ना मेरा अरे यार अब क्या करें कुछ इसके पीछे छुप जाऊं क्या हां हां उधर उधर छुप जाओ तुम बैग क्यों गए तुम्हारे पास एक डुप्लीकेट चाबी है ना अरे बाप रे मैं बैग में चेक करती हूं हां मुझे दो ये लीजिए खोलिए तुम्हें कहीं तो देखा है बेटा मेरा सीनियर है मम्मी कॉलेज में कुछ भी प्रॉब्लम होती है भैया ही देखते हैं हेलो आंटी हेलो अंकल हेलो बाय भैया आप लोग तो शाम में आने वाले थे इतनी जल्दी कैसे आ गए घर में गैस लीक होने की स्मेल आ रही थी ये देखो इस लड़की ने हमें बताया मैगी इज बैक विथ एक्स्ट्रा मसाला अरे ये सारा सामान बाहर कैसे आया मैगी अरे लगता है दोबारा से कुछ हो गया है मैगी अरे मैडी ये क्या कर रहा है बेटा इसकी शक्ल देखकर मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता पापा हम घर खाली करके चले जाते हैं तू क्या मेरी शक्ल देखेगा चला जा यहाँ से आप भी कैसा काम करते पापा ईस्ट फेसिंग घर तो ले लिया लेकिन घर के सामने का कचरा नहीं देखा अरे असल में हुआ क्या कुछ भी हो हम घर खाली करके चले जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी घर कैसे बदल सकते हैं ये वैसे भी हमारा खुद का घर तो है नहीं इतना ही भाड़ा हम कहीं और दे देंगे अरे घर तो कहीं भी मिल जाएगा 20 सालों से यहाँ पर जितने पहचान बनाए हैं दोस्त यार वहाँ नहीं मिलेंगे ना हम कौन सा जुबली हिल्स है बंजारा हिल्स जाने वाले हैं दूसरे मिडिल क्लास एरिया में जाने वाले हैं ना पाँव किलोमीटर ही बांटेंगे तो यही पहचान यही दोस्ती यारी मिल जाएगी ना वहाँ पर आधार कार्ड राशन कार्ड गैस कनेक्शन वोटर आईडी सब इसी एड्रेस पर है बेटी ये सब बदलना इतना आसान नहीं होगा बेटी यहाँ दूध देने वाला किराना वाला किराया देर से देने पर भी चुप रहने वाला मकान मालिक दूसरी जगह नहीं मिलेंगे मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना मुझे बस घर खाली करना है लोन पर डबल बेडरूम फ्लैट के लिए अप्लाई किया है बेटा वो मिलते ही चले जाएंगे यहाँ से हाँ ए मैडी अरे मैडी 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 ए मैगी मैगी रुक 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 मैडी मैडी एक काम करते हैं ना तेरा ना मेरा यूके में मेरी जान पहचान की एक फैमिली है तेरा जब तक गुस्सा कम नहीं होगा तो वहीं पर रह ले हम क्या किसी से कम है बेटा तू यूएस जा वहां मेरी जान पहचान के फ्रेंड हैं वो स्टिल बैचलर हैं यूएस हाँ मैं चलो मैडी बाइक एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में मत पार्क करना एक घंटे के 40 रुपए देने पड़ते हैं तू कब आएगा पता नहीं नॉन पार्किंग एरिया में पार्क करना पुलिस अगर ले जाएगी तो दोस्तों देकर ले आएंगे हाँ हाँ ठीक है टाटा संभाल के बाय बेटा
लक्ष्मी वहां पर गैप आया, देखो जरा। ये क्या कर रहे हैं जी? राजू भाई कॉफी ले आओ। राजू भाई। हाँ राव जी। और क्या चल रहा है? आज का पेपर देखा क्या? क्या है? हमारे यूएस वाले विंबलडन जीत गए। आपके यूएस वाले? अरे वही जी, मेरा बेटा गया है ना। स्कितो, ओबामा भी यूएस को इतना ओन नहीं करता होगा। वही मेरी बेटी जहाँ गई है वो यूके वाले भी वर्ल्ड कप के लिए बस रत्ती भर मिस हुए थे। अरे राजू भाई, बेटी से याद आया, एक बार मैगी का फोन नंबर दीजिए ना, बहुत दिन बीत गए बात नहीं हुई। नंबर की क्या जरूरत है, फोन लगाता हूँ। तुम बेटे को फोन लगाओ तो। अरे इसमें क्या है, बात कीजिए ना। हेलो हेलो मैगी। मैगी बोले पापा। राव जी बात करेंगे। राजू भाई बात करना चाहते हैं। ये लीजिए। हाँ मैडी। हाँ अंकल। कैसा है? मैं अच्छा हूँ। कैसी हो मैगी? मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तू कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में हूँ। कहाँ हो बेटी? मैं लंदन ब्रिज पर हूँ अंकल। वॉशिंगटन भी देखना, नियाग्रा फॉल्स भी छोड़ना मत। हाँ खर्चे के लिए बिल्कुल चिंता मत करना। राव जी। क्या हुआ राजू भाई, उदास क्यों हो? आपको पता है ना, जब वो यहाँ होती थी तो हर शुक्रवार को मैं उसे मंदिर ले जाता था। यूके में वो अकेले मंदिर जा रही है, मुझे याद कर रही है। फोन मुझे दो। हेलो पापा, पहली बार आपके बिना मंदिर जा रही हूँ। आई एम मिसिंग यू पापा। ऐसे समय में बेटी को हिम्मत देनी चाहिए, फिक्र मत कीजिए। वन सेकेंड, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू बेटी। सेंड सेंड, दैट्स इट, कम ऑन। कैसे? हाँ, कैसे मिले हो? अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं जी? कैसे? क्या हुआ जी, लगता है कुछ सोच रहे हैं। सरोजा वैसे ये बच्चे कैसे मिले होंगे? आपने आरएस प्रदर्श में जो साड़ी देखी थी, अगर वो खरीदनी होगी तो मैं आपको बता दूंगी। साड़ी के लिए एक महीना मेहनत करनी पड़ती है, पर आइडिया के लिए आधे घंटे मेहनत की तो काफी है। लेकिन आइडिया के लिए ब्रेन का यूज करना होता है, साड़ी खरीदने के लिए सैलरी का यूज किया जाता है,
जो नहीं है उसके यूज से अच्छा जो है उसका यूज करो। अरे ये क्या जी, आपने लुंगी समझकर टॉवल पहन लिया है, ये लीजिए खाना खा लीजिए। लक्ष्मी बोलिए ना, एक बात बताओ, पूरब और पश्चिम मिल सकते हैं क्या? पूरब पश्चिम, धरती गोल घूमती है ना जी, मिलने का मौका कैसे मिलेगा? तुम डिग्री तक पढ़ी हो इसीलिए साइंस में मत बोलो, आंसर बोलो। ठीक है, नहीं मिल सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? असल में इन दोनों के बीच में क्या लिंक है? लड़की इस तरफ गई, लड़का इस तरफ गया, असल में ये दोनों मिले कैसे? सब विचित्र है। ठीक है, खरीद दूंगा, बताओ। अरे आप क्या बताऊं, सब प्रभु की लीला है। वही तो, उस कृष्ण का और लीला का क्या लिंक है? अमीर पेट जाऊंगा बोलता था तो बस में क्यों, लिफ्ट मांग के चले जा कहने वाले मेरे पापा अमेरिकन फ्लाइट में भेज देंगे तो मैंने भरोसा कैसे कर लिया यार। लगेज भी उस हिसाब से मैंने पैक किया, गधा कहीं कम है। अब तक तो वो हैप्पीली यूके जाके मस्त सेल्फी ले रही होगी। हेलो, हाँ सुनो मैगी, वहाँ पहुँच गई क्या? तुम्हें बचपन से इतनी दूर कहीं नहीं भेजा मैंने, ये पहली बार है। तुम ठीक से पहुँच गई हो ना? मैंने फ्लाइट में बैठकर समुंदर पार नहीं किया, बस में बैठकर गोदावरी पार किया, इसमें क्या संभालना? वैसे भी ये पहली बार है ना मैगी, ठीक है मैं रखती हूँ। हाँ ध्यान से रहना। अब क्या कहूँ भाभी, बच्चों को कैसे मिलाएं हम दोनों ये सोच रहे हैं। इन लोगों का झगड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ये यूएसए और यूके जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाभी, यूएस और यूके जाने के लिए वीजा पासपोर्ट ये सब की जरूरत पड़ती है, और इतने दिनों तक उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला है ना, और अब ये मौका उन्हें किस्मत से मिला है। वो कैसे भाभी? वो ऐसे की यूके से आपके लिए कुछ लेके आऊं क्या पापा? यूके से? यूके से कौन आ रहा है बेटी? ये क्या पापा, मैं जा रही हूँ ना। ओ, तू अभी भी उसी भ्रम में है क्या? बचपन में जब तू कहती थी खाना नहीं खाऊंगी तो तुम्हारी माँ कहती थी चंदा मामा लेकर दूंगी। दिया क्या? मतलब मेरा यूके ट्रिप अधूरा रह जाएगा। तुम्हें फौरन भेजूंगा कहा था तो प्रेस्टीज फील करके उसे फौरन भेजेगा, इसीलिए मैंने अंधेरे में तीर चलाया था, वर्कआउट हो गया। ये क्या पापा, आपने ही तो कहा था ना कि यूएस भेजोगे। अरे बोलते ही पूरा हो जाने के लिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ बेटा, तुम्हारा डैडी हूँ। तुम्हारे यूएस जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, काफी पैसा भी चाहिए। ये क्वार्टर को देखकर पता नहीं चल रहा है क्या कि हमारा स्टेटस क्या है? भले ही कर्जा लेना पड़े फिर भी भेजोगे सोचा था। अरे पढ़ाई के लिए तो कर्ज मिल जाता है, पर यूएस ट्रिप बोलेंगे तो कर्जा कौन देता है बेटा? अब क्या करूं पापा, सारे फ्रेंड्स को भी मैंने बता दिया, बैग भी पैक कर लिया है। पैक किया हुआ बैग खाली करने में कितना समय लगता है, चलो उसकी हेल्प कर दो प्लीज। पैक किया हुआ बैग खाली करना मतलब सिर्फ कपड़ा निकालना नहीं होता, दिल को भी समझाना पड़ता है ना। पैक किया हुआ बैग वेस्ट ना हो इसलिए, और तुम्हारी इज्जत ना जाए इसलिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। कृष्णा नाम का। कृष्णा वो कौन है? मेरा कजन है, यूएस में रहता है, वहाँ की ना गोदावरी के पास बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, वो बहुत ही अच्छी जगह है बेटे। हाँ। चाहे तो कुछ दिनों के लिए तुम वहाँ जाके रुक जाओ, खूब एंजॉय करो तुम वहाँ, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। हाँ। हम लोग सब देख लेंगे। हाँ। क्या कहते हो? बढ़िया आइडिया है, कमालापुरम भी यूके की तरह ही है बेटी, फोटोज कंप्यूटर ग्राफिक्स से बना सकते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इस बात का वो पूरा ध्यान रखेगा, ये मेरी गारंटी है। बॉस इस टाइम पर क्यों फोन किया? कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। हाय नमस्ते सर, हमारे गेस्ट हाउस में दो गेस्ट आ रहे हैं। हाँ। मैं तुम्हें उनका नंबर मैसेज करता हूँ,
तो मेरी कार ले जाओ और उनको पिकअप करके ले आना। अरे बाप रे, कार से याद आया, हमारा ड्राइवर है ना, बकरे के बच्चे को बचाने के लिए डायरेक्ट पेड़ से टकरा गया, दोनों डोर डैमेज हो गए, रिपेयरिंग में लगभग 10,000 रुपए लगेंगे। बकरे के बच्चे से टकराता तो 5,000 लगता। वो अगर इतना समझदार होता तो ओला या कैब ड्राइवर बन जाता, हमारे पास काम क्यों करता। ठीक है, भेज दूंगा, पर टैक्सी ले जाकर उन्हें रिसीव कर लेना। पैसे भेजेंगे तो मामूली कैब क्या है, डायरेक्ट ओला कैब बुक करके अच्छे से लेकर आऊंगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। हेलो मैडम, आपको रिसीव करने के लिए मुझे कृष्णा जी ने भेजा है, आप अपनी फोटो अगर व्हाट्सएप पे भेज देंगी तो आपको पहचानने में आसानी होगी। जरूरत नहीं है, कार का नंबर व्हाट्सएप कर दो मुझे, पहचान लूंगी मैं। हेलो, कृष्णा जी ने भेजा है मुझे, कार का नंबर आपको व्हाट्सएप करता हूँ, पहचान लेना ठीक है। मेरी फोटो में तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ, खुद पहचान ले। देख क्या रहे हो, चलो। वो और एक लड़का आने वाला है, रिसीव करके चलता हूँ। हाँ वो आ गया। नमस्ते नमस्ते। हे, बहुत जल्दी आ गया तू तो। अरे भैया मैं बहुत फास्ट हूँ, यहाँ पर जो भी फास्ट होता है उसे पता है क्या कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं, हैदराबाद में ऑटो वाला कहते हैं। हेलो, और कितना टाइम, चलो जल्दी। लड़की है क्या ये लड़की? हाँ। है ना, ऐसी होती है, अगर हम जल्दी रेडी हो जाए तो इन्हें दिक्कत होती है, अगर ये जल्दी रेडी हो जाए तो हमें ही सुनना पड़ता है, इन्हें हम बिल्कुल सह नहीं सकते। हाँ सही कहा भैया। चलो तू यहाँ भी टपक गया। अरे बाप रे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये बहुत बड़ी मुसीबत है भाई, जहाँ शांति होते वहाँ बराबर पहुँच जाती है। छी, तेरे साथ बैठूंगी तो मुझे भी लोग कचरा समझने लगेंगे। जाना, ये किसने रोका है? तू जा रही है, मुझे नहीं बैठना तेरे साथ, जा तू यहाँ से। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया है, FB में ट्रेवलिंग टू UK पोस्ट कर दिया, ट्विटर में जो फोटो पोस्ट किया उसमें भी 50 लाइक्स आ चुके हैं, घर जाऊंगी तो इज्जत चली जाएगी। अगर हैदराबाद लौट गया तो लव स्टोरी के बारे में सोच के दुखी होना पड़ेगा, अगर यही रुक गया तो कम से कम इससे बदला तो ले पाऊंगा। अकेले ही है, देख लूंगी उसे। चलो दोनों आ गए। डोर को इतना फास्ट बंद मत करो, थोड़ा स्लो बंद करो। हा? अच्छा रुको रुको रुको, मैं बंद करता हूँ, कैसे बंद करते बताता हूँ। मेरी इतनी बढ़िया कार, इतना कमा के दिया था इसने मुझे, इनके कारण मेरा 10,000 का नुकसान हो गया। सौमित्री लगेज लेकर आओ। मेरा भी। हाँ उन लोगों को पिकअप कर लिया ना? हाँ कर लिया, बस अभी घर लेकर आया हूँ ना। कार डैमेज है बताया था ना, गैरेज भेज दिया ना कार को? वो डैमेज तो हुआ है पर जल्दी भेज दूंगा। भूख लग रही है। ए, कोई नौकर है बताया था ना, है क्या? अरे दो बेटा, मैं पानी भरती हूँ। चैनल बदलो। रिमोट तुम्हारे ही पास है, तुम बदल लो। तुम्हारे ही पास में है, तुम बदलो। तुम्हारे ही पास है, तुम बदलो। ठीक है, मैं चैनल बदलती हूँ, तुम जाके डोर खोलो। मैं चैनल बदलता हूँ, तुम जाके दरवाजा खोलो। तुम
तुम चैनल बदलो और तुम ही जाके डोर खोलो। मैं चैनल बदलता हूँ, तुम जाके दरवाजा खोलो। चैनल भी तुम बदलो, डोर भी तुम ही खोलो। जाना, तू अगर नहीं करेगी तो मैं करूंगा। इस गेस्ट हाउस में बस यही एक अच्छा वाला बेडरूम है, मुझे ये चाहिए। मुझे चाहिए, मैं नहीं दूंगी। अरे अरे, तुझे उठने को कहा ना। अरे मैंने कहा ना मैं नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। मुझे चाहिए बोला ना। ओए उतर यहाँ से, उतर। मुझे चाहिए। ठीक है, टॉस करके देखते हैं। टॉस? चलो करते हैं। टेल्स। अरे यार, रात में बेल बजाने वाला। गुड मॉर्निंग सौमित्री। देखा भाई कितनी चर्बी है इसमें, रात भर हमारी नींद उड़ा के गुड मॉर्निंग कैसे कह रही है। एक्चुअली रात में मैंने सोचा था कि दरवाजा खोल दूंगा, पर इसने ही खोलने नहीं दिया। तुम्हारी और मेरी सिचुएशन सेम है भैया, तुम दरवाजे के उस तरफ थे, मैं दरवाजे के इस तरफ था। ये अकेली एसी में आराम से सो रही थी। हाँ, ये अगर यहाँ रहेगी तो 1+1 ऑफर की तरह दोनों की बलि चढ़ जाएगी। कुछ ना कुछ करके इसे यहाँ से भगा देते हैं। कुछ ना कुछ मतलब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ मैं करूंगा ना भैया, दूध और मक्खन की तरह, बस आप आसपास रहिए, मैं देख लूंगा ना। मैं कुछ ना कुछ करूंगा। कुछ ना कुछ करेंगे बोलकर ऐसे क्यों चला गया? कॉफी पियोगे? ये झूठा है, दूसरा बना के देती हूँ। वो क्या बात कर रहा था? उसने कहा कि मेरे बारे में बोला ना। अरे मेरी बात तो सुन लो। देखा सौमित्री, हमारी नींद उड़ा के वो कैसे मजे में बैठा हुआ है। एक्चुअली रात को मैं डोर ओपन करने वाली थी, उसने ही मना कर दिया। मुझे अंदर और तुम्हें बाहर रख कर वो आराम से हॉल में सो गया। वो अगर यहाँ रहा ना, मतलब 1+1 ऑफर की तरह दोनों का नुकसान होगा। मैं अगर तुम्हारे साथ रहा तो उसे किसी भी तरह यहाँ से भगा सकते हैं, यही कहना था ना। वैसे आप क्या करने वाली हो? कुछ ना कुछ कर लूंगी, डोंट वरी। कहाँ रख दिया मैंने? दूध बहुत बढ़िया था, बस शक्कर थोड़ी ज्यादा हो गई। ये दूध किसने पिया? मैंने पिया, क्यों? अक्कल है क्या तुम में? तुमने क्यों पी लिया? क्या हुआ, दूध ही था ना, पर शक्कर थोड़ी ज्यादा थी। उसमें नेल पॉलिश मिलाया था। तुझे दिमाग नहीं है क्या? इतने अच्छे से वो याद तेरा ख्याल रख रहा है और तू उसे नेल पॉलिश खिला रही है। तेरी तो सौमित्री, मैं हूं ना। मेरे पास दूसरा नेल पॉलिश भी नहीं है। ये दूध पीने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये बात आप मुझे पहले ही बता सकती थी, एक बार बस कहा होता तो मैं दूध खुद उसे दे देता। इससे सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर। वो तो इसके लिए होता है ना, इसके लिए क्यों दिया? टेल्स। हाँ?
हाय। अरे बाप रे, आप अचानक से यहाँ? क्या बताऊँ यार तुझे, उसके कारण तुम्हें जो तकलीफ उठानी पड़ रही है ये देखकर दिल में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। प्लान है क्या? हाँ, घूमने जा रहे कहकर उसे सिटी से दूर लेकर जाते हैं। हाँ। क्यों? हाँ। वहाँ पर पेट्रोल खत्म हो गया कहकर ड्रामा करता है। हम पेट्रोल लेकर आते हैं कहकर छुप जाएंगे। हाँ। वो यहाँ वहाँ भटकती रहेगी, तभी हम कार लेकर निकल जाएंगे। प्लान ये काम करेगा ना? पक्का पक्का पक्का। प्लान बोलकर गायब कहाँ हो गया? ओ, ये भी प्लान में होगा। इस बार किसी भी तरह उस राक्षस से पीछा छुड़ा के शांति से रहूंगा। बड़ा मजा आएगा, मजे से रहूंगा मैं। अरे बाप रे, अब ये कैसे आ गई? उसने क्या कहा? कुछ नहीं, डोर कब तक ठीक हो जाएगा, बस यही पूछ रहा था वो मुझसे। हाँ, तुम्हारे लिए एक शर्ट चूज किया है मैंने। शर्ट? उसने आपसे पीछा छुड़ाने का प्लान किया है मैडम? शर्ट के साथ अगर पैंट भी मिल जाए तो? लॉन्ग ड्राइव पर जाके पेट्रोल खत्म हो गया, ये झूठ बोलकर लड़की को वहीं छोड़कर हम दोनों वापस आ जाएंगे, यही प्लान किया है मैडम। सौमित्री, एक काम करते हैं, इस प्लान को रिवर्स करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। करेक्ट है मैडम, शर्ट पैंट के साथ अगर मुझे चश्मा भी मिल जाए। चश्मा कुछ ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, प्लान कुछ भी हो, इन दोनों से पीछा छुड़ाऊंगा मैं, तभी मुझे मजा आएगा। यही करेक्ट टाइम है, किसी भी तरह आज इन दोनों से पीछा छुड़ाना होगा। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? सच में? पेट्रोल खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? सच में पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? अब क्या होगा? सच में पेट्रोल खत्म हो गया है। इतना डल होकर क्यों बोल रहा है? मुझे पता है ना, उसे जाके बोल, जा जा। ये मान क्यों नहीं रहा? जल्दी जा। सच में पेट्रोल खत्म हो गया है। इतना डल होके नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सच में पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। डायलॉग ओके है, फेस एक्सप्रेशन थोड़ा बदल सौमित्री। उसके पास जाओ और अच्छे से बोलो, इजीली मान जाएगा। मेरी बात समझते क्यों नहीं? पेट्रोल सच में खत्म हो गया है। फ्लो बढ़िया है, अब हल्ला मचा। यही यही चाहिए बस। तुम्हारे प्लान के हिसाब से कार नहीं रुकी है, सच में पेट्रोल खत्म हो गया है। चाहे तो कार हिला के देख लो, टैंक में लकड़ी डाल के देख लो, पता चल जाएगा। हाँ। चलो पेट्रोल लेकर आते हैं। गई भैंस पानी में। इसे सताने के लिए कितनी भी दूर चली जाऊंगी। सॉरी सौमित्री, पेट्रोल के लिए मैं नहीं जाऊंगी। कम से कम आप तो चलिए। जब तक मुझे कुछ ना हो तब तक ओके है, मेहनत करके बदला लेने के लिए मैं अफेक्शनिस्ट नहीं हूँ सौमित्री। तो आप क्या करेंगे? तुम जाकर पेट्रोल लेके आओ। हा? मैं किसी न किसी से लिफ्ट लेकर चले जाऊंगा। अब जल्दी जाओ। आप? मेरा भी डायलॉग सेम सौमित्री। हेलो हेलो मैगी। बोलिए पापा। हेलो मैडी। हाँ पापा। राव जी बात करना चाहते हैं। ओके पापा। राजू भाई बात करना चाहते हैं। हेलो अंकल। मैडी। बोलिए अंकल, कैसे हो? अच्छा हूँ अंकल। कैसी हो मैगी? मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? कहाँ हो? कहाँ? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास हूँ। कहाँ हो बेटी? मैं लंदन ब्रिज पर हूँ अंकल। हाँ, सच में वहाँ गए हो ना? भले ही $2 ज्यादा लग जाए लेकिन सब देख करके आना। ओके अंकल, बाय अंकल। ठीक है अंकल, बाय। हम्म,
एक मिनट। अगर ऐसे किसी ने पत्थर मारा होगा तो घूम गया होगा ना। तुम जैसा पागल और कौन होगा? हाँ? जाओ जाओ, जब तक कुछ होना जाए तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। वो भी उसी तरफ गई है, ये लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं, कहीं ये लोग कुछ कर तो नहीं देंगे? या, करते तो करने दो, मुझे क्या। भैया 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 भैया, एक मिनट। क्या हुआ? इस तरफ एक लड़की अकेली गई है। इस तरफ? इसी तरफ चार लड़के भी गए हैं। हाँ हाँ, दिखने में थोड़े टेढ़े लग रहे थे। अच्छा, कोई टेंशन तो नहीं है ना? मतलब अमलापुरम में दिल्ली टाइप के लड़के? अबे अमलापुरम में ऐसे लड़के नहीं होते, समझा? पर हम अमलापुरम के नहीं है। ए चल चल चल, लड़की निकल जाएगी, चल जल्दी कर। अरे यार, मैंने खुद ही इनको आइडिया दे दिया। मैंने पैंट पहना हुआ है, अगर लुंगी पहनी होती तो एक झटके में ही पेड़ पे चढ़ जाता। हाँ? बहाने मत बनाओ, पेड़ पर चढ़ना नहीं आता ये बोलो। एक बात पता है क्या, मैडी को भी पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। हमारे मैडी को? इनके आने से पहले राजभवन के गवर्नर की तरह रहता था, इनके आने के बाद साइबर टाउन में वॉचमैन बन गया हूँ मैं। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर पंकज के पास जाऊंगा तो शांति मिल जाएगी मुझे। हेलो, क्या हुआ? सर मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। क्यों, अचानक क्या हो गया? अब मैं आपको क्या बताऊंगा सर, गीजर ऑन करने गया था तो शॉक लग गया, साबुन पर पैर पड़ा और फिसल कर गिर गया। पट्टी बांधते वक्त डेटॉल समझ के एसिड डाल दिया, कुर्सी के ऊपर बैठने गया तो कुर्सी टूट गई और मैं नीचे गिर गया। ये सब कुछ एक साथ कैसे हो गया? इतना होने के बाद भी शायद आपकी सेवा करने के लिए ही मैं जिंदा हूँ सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा बोलो तो मैं अपने डॉक्टर को भेज दूँ तुम्हारे पास। अरे अरे सर, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अपना पंकज, मेरा मतलब नर्स से जो ठीक हो सकता है उसे डॉक्टर की क्या जरूरत है? अपना ध्यान रखना। हाँ रखता हूँ। इसकी तो बीवी की तरह सब पूछता है, पति की तरह जो बोलो मान लेता है, मजा आएगा। अरे अरे अरे, अरे
तुम्हारी मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। कुर्सी पर बैठने गया तो कुर्सी टूट गई और मैं नीचे गिर गया। जैसा मेरे सर ने कहा, अब डॉक्टर के पास ही जाना होगा। पंकज का कोई काम नहीं डॉक्टर। थैंक यू। थैंक्स ब्रो। कोई बात नहीं भैया। थैंक यू। बाइक? अरे कोई बात नहीं, बाद में लौटा देना मुझे, ठीक है? श्योर? या श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। कहाँ रखा था? हर शुक्रवार को आप मंदिर ले जाया करते थे। फर्स्ट टाइम आपके बिना मंदिर जा रही हूँ पापा। आपको पता है ना, यहाँ जब होती थी तो हर शुक्रवार को मंदिर लेकर जाया करता था। यूके में अकेले मंदिर जा रही है, मुझे मिस कर रही है वो। सर सर सॉरी सर सॉरी मैडम। सॉरी क्या? सॉरी दिखाई नहीं देता क्या? थोड़ा जल्दी में था मैडम। आंखें बंद करके ड्राइव करते हो क्या अंधे कहीं के? हे इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई इडियट। सॉरी सर, बुरा मत मानिएगा, गलती से हो गया। बाइक उठाओ, एक मिनट। थैंक यू सर। हाँ कोई बात नहीं। सॉरी मैडम, इंटरव्यू है क्या? हाँ सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सॉरी मैडम। तुम्हें चोट नहीं लगी इसलिए उसे जाने दिया ना? हे ऐसी बात नहीं है, लगता है वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। अभी अगर कुछ कहता तो डिसअपॉइंट हो जाता, उसका दिन खराब हो जाता। वैसे भी उसने जानबूझकर नहीं किया है। पापा उसे जाने क्यों दिया? कोई भी जानबूझकर टक्कर नहीं मारता है ना बेटी, बेचारा वो किसी काम से जा रहा है होगा, डांटूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस्तेमाल मत करो, उसमें मैंने मच्छर मारने का स्प्रे लगाया है। तुम भी वो पेस्ट यूज मत करना, उसमें मैंने इच गार्ड मिलाया है। तो फिर तुम भी अपना लिपस्टिक इस्तेमाल मत करना, उसमें मैंने मिर्ची पाउडर मिलाया है। तुम भी शूज मत पहनना, उसमें मैंने सुई घुसा रखा है। अपनी चप्पल मत इस्तेमाल करना, उस पर मैंने फेविक्विक लगाया है। तुम अपने चोट पर डेटॉल मत लगाना, उसमें मैंने एसिड मिलाया है। कैसे जीऊं मैं ये तो बता, नजरों के पास तू ही तो था, फिर भी तुझे मैं ना पहचाना। किस्मत से है मिले, मिट गए सब गीले, जन्म का है रिश्ता ये हमारा, दूर जाना ना दिल से भूला।
मुश्किल हो जाएगा जीना मेरा, तू बन जाना रब का शुक्राना, कैसे बताऊं जाने मन जाने जा, मांगू दुआएं हर पल उस रब से, इश्क मेरा तू जाने मन जाने जा। बड़े डॉक्टर से मिला था, उन्होंने जाने के लिए कहा है। ओके सर। नमस्ते। हॉस्पिटल में आने वाला इंसान कैसा होता है बे? चिढ़ा रहा है कमीना कहीं का। अब ये फोन क्यों कर रहा है? हाँ बोल। हे, हमारा जूनियर सिनू है ना, वो सपना के साथ भाग के तेरे पास ही आ रहा है, उन दोनों की शादी तुझे करवानी होगी। दोनों के टॉर्चर की वजह से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ अभी मैं अपने आप को तो उन लोगों से बचा नहीं पा रहा हूँ, अब उन लोगों को झेलना मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे वो सब नहीं पता, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। ए, ए, फोन रख, फोन रख। ए, ए, ए। बच गए, डोर ओपन ही है, फ्लोर क्लीन है, डाइनिंग टेबल भी साफ है, मतलब वो दोनों यहाँ से चले गए। सौमित्री, आप यहीं पर हैं? क्या हुआ सौमित्री, कहाँ थे तुम इतने दिन? हॉस्पिटल में। मैगी, बेचारा भैया इतने दिन बाद आया है, जाके कॉफी लेकर आओ, ये भी ले जाओ। आओ भैया, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ। बैठो। हाँ ये ठीक है, इस पर बैठ जाओ। विदाउट नेल पॉलिश भैया। थैंक यू। मेरे पास दो लोग घर से भाग कर आने वाले हैं, मैं मर गया हूँ ऐसा बोलकर उन्हें वापस भेज देना। कौन, यही दोनों क्या? इन्हें किसने आने दिया? देखने में तो जोड़ी अच्छी है भैया, शादी करवा देते हैं। इनकी शादी करवाने के लिए ये क्या, कोई ये क्या है? तुम ऐसे ही दूध के साथ मक्खन की तरह हमारे साथ रहो, सब हम देख लेंगे। हे प्रभु, इन बच्चों की रक्षा आपको ही करनी होगी। कांग्रेट्स ब्रो, थैंक यू वेरी मच। हे कांग्रेट्स, जोड़ी बनाई है ईश्वर ने, प्रभु चाहते हैं कि आपकी जोड़ी खुशहाल रहे, तो कोई भी उसे बिगाड़ नहीं सकता। वो लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। प्रभु पहले मेरी जान बचाओ। अब क्या होगा बोलो। अरे बाप रे भैया, सॉरी भैया, मेरे फ्रेंड का कोई नहीं है, इसीलिए मैं इनकी शादी में आई थी। सॉरी ब्रदर, आप जारी रखिए फादर। ईश्वर जिसे एक करना चाहे उसे इंसान अलग नहीं कर सकता। सपने में देखा था। गाउन का हुक निकल जाएगा, ध्यान देना। तुझ बिन ये दिल कहीं लागे ना, कैसे जीऊं ये तो बता। नजरों के पास तू ही तो थी, फिर भी तुझे ना पहचाना। किस्मत से है मिले, मिट गए सब गीले, जन्मों का है रिश्ता ये हमारा। दूर तू जाना ना, दिल से भुलाना ना, मुश्किल हो जाएगा जीना हमारा। तू बन जाना
जाना रब का शुक्राना, कैसे बताऊं तुमसे वो जाना, मांगा दुआए हर पल उस रब से, इश्क मेरा तू ओ जाने जाना। मैगी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैडी ने बुलाया है। ए, तुम लोग कैसे? मैडी ने बुलाया है। तुम सब लोग यहाँ कैसे? मैडी ने बुलाया है। मैडी ने? मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है ये सोचकर आप लोग टेंशन ले रहे होंगे। आपको कैसे बताऊं, ये सोचकर मैं टेंशन ले रहा हूँ। इतने दिनों तक अलग अलग घरों में रहकर झगड़ा करते रहे, अब से एक ही घर में रहकर झगड़ा करना चाहते हैं। मैगी, हम शादी करना चाहते हैं। क्या बात है भाई? इस पर मैं अब तक बहुत गुस्सा करता रहा, पर मैंने इसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए। इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? हाँ, इतने दिनों तक झगड़ा करते रहे, फिर सडनली शादी कैसे? इसके बाद भी हम झगड़ा नहीं करेंगे ये नहीं कह रहे अंकल, उन झगड़ों की वजह से कहीं अलग ना हो जाए इस डर से हम शादी करना चाहते हैं। तभी मिलाने के लिए आप होंगे ना अंकल? यूके यूएस कहकर अलग अलग जगह भेजेंगे नहीं ना? हमने बोल भी दिया तो क्या हो जाएगा, मिल जाओगे, इस बात की क्या गारंटी है? क्या है कि वो गुस्सा प्यार नहीं है ना पापा, जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। इतना क्या सोच रहे अंकल, मान जाइए ना, वरना इन दोनों की शादी मैरिज ब्यूरो वाले करवा देंगे। जो तुम्हारा क्या? हेलो, सुनिए, उस दिन आपके भैया के बेटे की शादी रुक गई थी ना, किस लिए? दहेज के मामले में अनबन हो गई थी। लेकिन यहाँ तो दहेज की कोई समस्या ही नहीं है। हेलो सुबू, कैसे हो यार? अच्छा हूँ, बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं, उस दिन तुम्हारी बेटी की शादी मंडप में रुक गई थी ना, किस लिए? दूल्हा लेटर लिखकर भाग गया था यार। ओ अच्छा, ये भागने वाले टाइप तो नहीं लगते हैं। आपके बेटे की लव मैरिज करवा रहे हैं ऐसा बताया था, किसने रुक गई थी? हम तो तय कर देते पर भगवान को मंजूर होना चाहिए, दोनों की कुंडली नहीं मिली इसलिए शादी रुक गई। ओ ऐसा हुआ था क्या? ये वो वर्कआउट नहीं होगा। वर्कआउट हो जाएगा। देखो इस के हिसाब से, ये देखो यहाँ है ना ये नक्षत्र। एक मिनट। हाँ पंडित जी, आपसे कुछ बात करनी है। तो बात कीजिए, बाहर आइए, बाहर आइए ना, आइए। घर को शुद्ध करना है, अभी आता हूँ। क्या कहने वाले थे बोलिए? वो किसी भी तरह इस शादी को होने से रोक दीजिए। उसके लिए कितना देंगे? जय श्री राम। कारण क्या है बता देते तो। कारण? मेरे बेटे की कुंडली अच्छी नहीं है ऐसा बोल दीजिए। अपने बेटे का क्यों, उनकी बेटी पर डाल देते हैं। तेरी तो जो कहा वो कर बे। बे? जो रिश्वत लेता है उसे इज्जत क्यों दूं? किसी ने देखा तो नहीं? चलिए, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः। पंडित जी, घर की शुद्धि हो गई। हाँ, और कुछ जरूरत तो नहीं है? हाँ आ गया बहन जी, सब चीजें हो गई ना। पंडित जी एक मिनट यहाँ आइए जरा, लगता है घर की शुद्धि फिर से करनी है, अभी आता हूँ, एक मिनट।
मैंने पैसे ले लिए, इनको कहीं पता तो नहीं चल गया। आपसे थोड़ा बात करनी है ना। हाँ, तो कीजिए। कुछ भी करके आप इस शादी को यहीं रोक दीजिए। लगता है लड़की की तरफ से भी पैसे मिलने वाले हैं। हाँ, शादी करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, लेकिन रोकने के लिए मैं हाँ, काफी हूँ। हाँ, लाइए दक्षिणा। इधर इधर। जय श्री कृष्ण। अब देखिए, लड़के की कुंडली अच्छी नहीं है कह दूंगा। मेरी बेटी की कुंडली अच्छी नहीं है कहेंगे तो काम हो जाएगा। लड़की को क्यों बदनाम करना, लड़के पर डाल देता हूँ। जो कहा है करो। किसी और को शुद्धि करवानी होगी तो बता दीजिए, मुझे और भी काम है। आहा, लड़के की कुंडली बहुत अच्छी है। अरे, लड़की की कुंडली तो और भी अच्छी है जी। लेकिन दोनों की कुंडली मिलाने पर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लड़की का नक्षत्र है रोहिणी, लड़के का नक्षत्र है बरनी। नक्षत्र तो आपस में मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले ग्रह जो है बिल्कुल खराब है। यहाँ तो मंगल और शनि बिल्कुल आपस में मेल नहीं खा रहे। ग्रह की शांति करवाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, उसके बाद आपकी मर्जी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सुनिए जी, मूर्ति की पूजा करते हैं, ग्रहों पर विश्वास करते हैं, हम धार्मिक लोग हैं, हम भला क्या कर सकते हैं इस शादी को रोकने के अलावा। बेटा फोटो बंद करो। हाँ हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। पंडित जी बोलिए। आपने अब तक बहुत सारी शादियाँ करवाई होंगी ना। हाँ करवाई है ना। कुंडलियाँ मिलने पर भी शादी करवाई होगी ना। और नहीं तो क्या, वो सब एक साथ ही है क्या। सुनिए जी। हाँ। आपको याद है हमने कुंडलियाँ मिलाए बिना प्यार करके शादी की थी और हम खुश है ना, हमारे बीच ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मैं ये कुंडली वुंडली में विश्वास नहीं रखती। जिन्हें अपना समझते हैं उन दोनों का मिलना जितना मुश्किल है, अपना समझने वाले दोनों को जुदा करना उतना ही मुश्किल है। भद्राचलम जाके हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। रिसेप्शन ग्रैंड करवाएंगे। आप क्या कहती हैं भाभी। मैं भी आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। स्वस्ति श्री चंद्रमान ध्रुमिक नाम समचरेत चैत्र मास शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र। आज पंचमी तिथि दिन शुक्रवार सुबह 10 बजे के शुभ मुहूर्त में गोपाल राव के सुपुत्र चिरंजीवी माधवन का नरसिम्हा राव के सुपुत्री आयुष्मती मेघना के साथ सगाई की रस्म संपन्न हो रही है। इन दोनों वर कन्या को सभी देवी देवताओं और कुल देवी तथा अपने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो। सरोजा, सरोजा। हाँ आ रही हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। रास्ते में थोड़ा छोटा एक्सीडेंट हो गया था। क्या जी, आप थोड़ा संभाल के जा सकते थे ना। पता नहीं क्यों पर आजकल मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है सरोजा। जो पैसे आने थे वो रुक गए, प्रमोशन रुक गए, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। ये देखो आज मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। असल में आप कहना क्या चाहते हैं वो कहिए। वो किसी नए के घर पे कदम रखने से अपशगुन हो सकता है। महंगी आ रही है इसलिए तो नहीं हो रहा है। हमारी शादी के 2 महीने बाद आपकी माँ की मौत हो गई थी, आपकी नौकरी चली गई थी, जो बिजनेस किया उसमें सिर्फ घाटा हुआ, आपका कर्ज बढ़ गया, कितनी मुसीबतें आई हम पर। तब आपके घर वालों ने क्या कहा था, मेरे आने के कारण ऐसा हुआ है। मेरे घर वाले बोले कि ऐसे लड़के से शादी क्यों करवाई कि हमारी बेटी परेशान है। पर उसके बाद देखिए क्या हुआ, बेटा पैदा हुआ, आपको अच्छी से नौकरी मिल गई, कम से कम हम लोग खुश थे ना तब। बात वो नहीं है सरोजा। ये बात नहीं है जी, 20 सालों तक अपने मायके में रानी की तरह पलने वाली लड़की ससुराल आने के बाद अपशगुनी कैसे हो सकती है। मुसीबतें आती हैं बंधन को मजबूत करने के लिए, जुदा करने के लिए नहीं। आ, 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 आ,
क्या हुआ अंकल, आपने मुझे बुलाया? शादी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है बेटा? क्या है अंकल, अभी तक मैगी आपके घर में रहती थी, शादी के बाद हमारे घर में रहेगी, बस। आपके नजरिए में और कुछ होगा तो बोलिए। वाइफ और हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत ही अहम होता है। ये 20 साल माता पिता, सोसाइटी, ये किताबें जो तुम्हें सिखाती हैं, शादी के बाद की जिंदगी के ही बारे में, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए तो उनके साथ हमारा जो रिलेशन है बस वही बिगड़ता है। वही अगर बीवी और पति के बीच में प्रॉब्लम आई तो जिंदगी बिगड़ जाती है। इतनी महत्व रखने वाली जिंदगी में पति के मरने के बाद बीवी का क्या हाल होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होगा? अरे सोचकर ही बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। वैसे ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम्हारे साथ उसकी शादी हो गई तो मैगी की जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी। उस दिन मैंने क्या किया था, सोचने का टाइम नहीं था मेरे पास। इतने दिनों तक जो होने से रोकने की कोशिश कर रहा था वो भी मुझसे नहीं हुआ। अभी मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इन सारी बातों से मुझे बस एक ही चीज समझ में आई कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। मैडी, मैडी, कम से कम आज तो मेरे बताए टाइम पे उठ जा। मैं, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों है बेटा? नींद नहीं आई माँ। ठीक है, गरम पानी रखा है, जल्दी से नहा के तैयार हो जा, पहले ही लेट हो चुका है। सुनिए जी, मेरी माँ को फोन करके यहाँ से क्या क्या सामान जाएगा पता कर लिया ना? हाँ। सुनिए जी, भैया अगर किसी चीज में पैसे खर्च करने के लिए पीछे हुए तो आप बुरा मत मानिएगा, आप ही खर्च कर लीजिएगा। अभी तक कैब क्यों नहीं आई जी? अब तक आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? जल्दी जाके रेडी क्यों नहीं होते? टाइम हो गया है ना? सब ओके है ना? सारा सामान ले लिया ना? हाँ हाँ। आप अभी भी क्यों बैठे हैं? उठिए ना। सुनिए ना, ये बैग आप रख लीजिए। ए मैडी जल्दी कर। अरे लगता है भाभी आ गई हैं। जल्दी आइए, जल्दी करिए। हमारा मैडी कहाँ है? शादी के कपड़े पहन रहा है। धोती है ना, पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। मैगी को शादी की साड़ी दे दी? दे दिया। उसके लिए भी नया है ना, पता नहीं कितनी मुश्किल हो रही होगी। देखिए ना भाभी, हाँ हमारा दूल्हा आ गया है। आपके दुल्हन को बुलाइए ना। मैगी, ये क्या बेटी, शादी की साड़ी पहने बिना आ गई? शादी की साड़ी किस लिए?
आज तुम्हारी शादी है ना बेटी? मेरी शादी? किसने डिसाइड किया ये? तुम दोनों ने कहा था कि तुम्हें शादी करनी है। मैंने ऐसा नहीं कहा, उसने मुझसे बिना पूछे आपसे पूछा, आपने बिना पूछे डिसाइड कर लिया। ये तो मेरे साथ मजाक करता रहता है, मैंने सोचा ये भी मजाक होगा। कैसी बातें कर रही हो मैगी? आप रुकिए भाभी, मैं बात करती हूँ। आप क्या बात करेंगी आंटी, बात तो इन्हें करनी चाहिए, इन्हें बात करनी चाहिए। बेटी को मजाक और सीरियसली के बीच का अंतर पता नहीं है, कैसे हो सकता है? बताइए अंकल, बताइए। ऐसे क्यों रुक गए? वो नहीं, ये शादी मैं खुद नहीं करूंगा। अंकल आपने बुलाया क्या? का हर पिता अपने बच्चों को जायदाद और संपत्ति देते हैं, पर आपने तो मुझे माता पिता दिए हैं। हेलो मैगी, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया सर। हेलो, पेशेंट बहुत ही सीरियस है, ऑपरेशन करने के बाद भी बचने की गारंटी नहीं है। अगर आप लोग राजी हैं तो इस पर दस्तखत कर दीजिए, फिर मैं ऑपरेशन शुरू करूंगा। पापा, मैं रेलवे स्टेशन पर वेट करता हूं, अगर आपको लेट हो गया तो मैं चला जाऊंगा। Ha ha ha!
बार भी कम से कम नहीं देखेगा क्या? देखने का मन नहीं है। मैगी बचपन से ही शरारत करती आई है। जरा सा मौका मिला तो मुझसे झगड़ा करती थी, डांटती मारती थी। ऐसी बहुत सी यादें हैं मेरे पास। साहस भी ना ले सके अगर ऐसी हालत में देखूंगा तो वो सब भूलकर यही याद रहेगा। ये मुझे पसंद नहीं है। ये क्या, इतनी आसानी से क्यों बात कर रहा है? तेरी मौत के डर के साए में मैंने 22 साल बिताए हैं, समझ रहा है? आप इतना डर रहे थे इसीलिए उसने आपको इतना डराया। पैदा होते ही मरे हुए दो बच्चों के अलावा ये 22 साल जिंदा रहेगी ये सोचा होता तो ये 22 साल आप खुश रहते ना अंकल। उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर ही हमने तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाई। अब लगता है उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। मुझे माफ कर देना। रेलवे स्टेशन पर मैं वेट करता हूं, ऑपरेशन होते ही उन्हें यह बात बता देना। बाईस साल बाद मैं मर जाऊंगी ये सोच के आपने हमें अलग कर दिया। जितने दिन आपने सोचा उतने भी दिन मैं नहीं बचूंगी।